हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं उषा, इनमें स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम ऐसे कुछ बेबी बॉय सिम्टम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको पता लगा सकती हैं कि आपके घर में जो आने वाला बच्चा है वो कौन हो सकता है, एक बेटा हो सकता है कि एक बेटी हो सकती है। दोस्तों ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ जो गर्भवती महिला रहती है उनके मन में जो जिज्ञासा रहती है जानने की कि उसको बेटा होगा कि बेटी, तो वही जिज्ञासा को शांत करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। बाकी हमारे चैनल का या फिर मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लड़का लड़की में भेदभाव करें। हमारे इंडिया में वैसे भी लिंग परीक्षण करवाना एक कानूनी अपराध है, तो इससे हमें दूर रहना चाहिए और लड़का लड़की दोनों को एक समान प्यार और अधिकार दोनों देने चाहिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सिम्टम है कि आपके बालों के ऊपर है। दोस्तों अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके जो बाल है वो बहुत ही ज़्यादा घटे, मतलब घने हो गए हैं, मुलायम हो गए हैं, ऐसा अगर दिख रहा है ना, तो ऐसा माना गया है, हमारी बड़ी बुजुर्ग महिलाएँ बोलती है कि आपको एक बेटा हो गया। और दोस्तों अभी बात करते हैं दूसरा सिम्टम के बारे में। तो दूसरा सिम्टम है आपके चेहरे के ऊपर दोस्तों, कि आपका चेहरा अगर थ्रू आउट प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा मतलब निखर गया है, बहुत ही ज़्यादा चमकीला हो गया है ना, खूबसूरती बहुत बढ़ गई है, तो ऐसा माना जाता है कि आपको एक लड़की होने वाली है। वहाँ अगर आपका चेहरा है बहुत ही ज़्यादा डल हो गया है, काला हो गया है, मतलब आपको पिंपल्स निकल आए हैं, डार्क सर्कल बन गए हैं, ऐसा सब कुछ अगर हो गया है ना, तो माना जाता है कि आपको एक लड़का होगा। अभी हम बात करते हैं तीसरा सिम्टम के बारे में दोस्तों। तो तीसरा सिम्टम है आपके सिर दर्द के ऊपर दोस्तों। तो ऐसा माना जाता है, हमारी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं बोलती है कि अगर थ्रू आउट प्रेगनेंसी के में आपको हल्का हल्का सिर दर्द अगर बना रह रहा है ना, तो माना जाता है कि आपको एक बेबी बॉय होने वाला है। अभी हम बात करते हैं चौथे सिम्टम के बारे में। तो चौथा सिम्टम है वो है आपके चेस्ट के ऊपर दोस्तों। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपका जो स्तन है वो मतलब कि निप्पल के आजू बाजू का जो एरिया है वह तो डार्क होता ही है, लेकिन थ्रू आउट प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाता है, उसके ऊपर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं वाइट कलर के, है ना, ऐसा सब कुछ हो रहा है ना, तो माना जाता है कि आपको एक बेबी बॉय होने वाला है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम के बारे में। तो वो है आपके पेट का आकार दोस्तों। तो आप देखेंगे कि छठे सातवें महीने में अगर आपका पेट का जो आकार है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है ना, मटके जैसा नहीं लेकिन अंडाकार दिख रहा है आपको, नीचे की तरफ झुका हुआ दिख रहा है ना, तो ऐसा माना गया है कि आपको एक बेबी बॉय होने वाला है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम के बारे में। तो वो है दोस्तों आपकी नाभि के लाइन के ऊपर, जिसको नाभि लाइन बोलते हैं, लाइन या नाइग्रा। तो दोस्तों वो ऐसा है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान जो पेट के ऊपर लाइन बनती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब नाभि के ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी डार्क बनी हुई है ना, और सीधी बनी हुई है, तो माना जाता है कि आपको एक बेबी बॉय होने वाला है दोस्तों। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम के बारे में। तो वो है दोस्तों कि अगर आपको प्रेगनेंसी में मतलब कमर दर्द है, वो तकरीबन सबको होता ही है, लेकिन थ्रू आउट प्रेगनेंसी में अगर आपको हल्का हल्का दर्द है कमर के निचले हिस्से में बना रहता है ना, तो माना जाता है कि आपको एक बेबी बॉय होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम, तो वो है आपके खाने की पसंद के नापसंद के ऊपर। तो दोस्तों ऐसा है कि अगर आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी में चटाकेदार बहुत ही मसाला वाला खाना है, स्ट्रीट फूड है, वो सब बहुत ही खाने का मन कर रहा है ना, तो ऐसा माना गया है कि आपको एक बेबी बॉय होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो सिम्टम्स थे वो जो मुझे अपनी प्रेगनेंसी में दिखाई दिए थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे भी एक बेबी बॉय हुआ है, तो मुझे लगा कि मैं भी अपने सिम्टम ही आपके साथ शेयर करूँ, तो आपके भी जो भी है डाउट्स वो क्लियर हो पाए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये जो भी सिम्टम्स है ना उसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, तो उसको आप है ना सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर ही वीडियो को देखा कीजिए। चलिए दोस्तों मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।